तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? इन आ गए तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय के बारे में। हाँ गाइस, अक्षय इसके ऊपर मैंने दो वीडियोस बना के रखी है, अगर आपने देखी नहीं तो जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड इस दोनों वीडियो में मैंने इसका रोस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, मैंने इसकी बुराई बिल्कुल भी नहीं की है, बस मैंने इसका टॉपिक निकाला है और कुछ भी नहीं। तभी भी अक्षय ने मेरे पे एक रोस्ट वीडियो बना दी, पर क्यों? तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो है, सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। लड़के को टाइटल लिखना भी नहीं आया था, टाइटल में लिखा है रिप्लाई। कैसा रिप्लाई? मैंने कुछ किया ही नहीं तभी रिप्लाई बोल रहा है। रिप्लाई वीडियो मैं बना रहा हूँ ना कि तू। तूने मेरे ऊपर पहली वीडियो बनाई है एंड डायरेक्टली रिप्लाई लिख दिया। मतलब मैं मानता हूँ वो दो वीडियोस मैंने तेरे पे ऊपर डेडिकेट किए थे, बट वो सिर्फ फन के लिए थे। तूने तो मेरा पूरा रोस्ट ही कर दिया यार, ये थोड़ी इज्जत भी रखो यार इंसान की। हाँ, पर अदर देन दैट इसने मेरा बहुत अच्छा रोस्ट किया है। मतलब मेरे को नहीं लगता था मेरे चैनल में कुछ रोस्ट करने जैसा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल प्योर कंटेंट है। उसमें भी इसने कुछ अच्छा अलग अलग ढूंढ के निकाला, पर एंड में जाके इसने हक दिया। मेरे शक्ल के बारे में कुछ बोल रहा है यार, सो के उठने वाला चिपकली की शक्ल का, क्या कुछ भी बोलता है यार ये। यार मुझे शर्म आती है मुझ पे ही ये सब सुनने के बाद। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये सुनने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया, आईने में जाके देख लिया और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत है। साला ये मेरे शक्ल के बारे में क्या क्या बोलता है यार। ओके, तो इसने थंबनेल पे मेरा शक्ल लगाया एंड खुद का शक्ल नहीं लगाया क्योंकि इसका फेस रिवील नहीं हुआ है। भाई मेरी शक्ल तो अच्छी लगा लेता यार, मेरे अच्छे अच्छे इतने फ़ोटोज़ पड़े इसके पास, तभी भी मेरी एक गंदी सी शक्ल लगाता है पागल इंसान। एंड ऊपर से देखो खुद का फ़ोटो ऐसा लगाया, मतलब टॉक्सिक समझाए क्या खुद को यार? टॉक्सिक ऐसे फ़ोटोज़ लगाता था पहले? भाई नहीं है तो टॉक्सिक जैसा अच्छा रोस्टर नहीं, ये सच्चा ही है यार, तो नहीं है टॉक्सिक जितना अच्छा रोस्ट करता। वैसे भी ना ब्लू हाउस के, हाँ पता है मेरे साइकिल से आउट हुए पता है, पर वो थोड़ा तो आगे गए, पर नहीं इसे तो आगे नहीं जाने था, आगे गया ही नहीं है, ट्राई भी नहीं किया। वही ना, और जो रेड हाउस का था वो भी थोड़ा सा तो आगे गया था लाइन के, पर ये महाशय उधर ही बैठे थे, लाइन के आगे गए भी नहीं। ठीक है गाइस, तो अभी तुमने जो वीडियो देखी, मतलब सॉरी इसके वीडियो की क्लिप देखी, तो इसमें इसने साफ साफ बोला है कि वो सब आगे गए थे। भाई क्या फूक के, मतलब क्या नशा फूक के वीडियो बनाने आया है? भाई कोई भी आगे नहीं गया था, साफ साफ सबके सामने दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, स्कूल जाऊँगा, सबसे पूछूँगा कौन कौन आगे गया था, सब नहीं बोलेंगे भाई। अगर आपको भी सुनने तो धड़ाधड़ इस वीडियो पे 3 लाइक कर दो भाई, हो जाएगा। मैं अपने स्कूल जाके सबको बोलूँगा कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा सीन हो गया है। एंड तभी भी भाई झूठ बोलने की लिमिट होती है अक्षय। एंड अक्षय देखो, अगर तूने मतलब ऐसा मतलब गलत गलत पॉइंट्स उठाए हैं मेरे पे, अगली बार अगर तूने मेरे पर गलत गलत पॉइंट उठाए तो तेरा फेस रिवील होगा पक्का। एंड इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब तेरा फेस रिवील तो सच्ची हो के रहेगा अगर तूने अगली बार ये गलत गलत और झूठे झूठे पॉइंट्स ऐड किए तो। पॉइंट टू पॉइंट बात करना, जैसे एमवी कृष्णा के जैसे डिस पैटर्न में वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते वैसे करना। हम तेरे को तो डिस पैटर्न मतलब कुछ भी ऐसा गाना बनाने को भी नहीं बोल रहा, तेरे को शादी से एक रोस्ट वीडियो बनाने को बोल रहा है। एंड रोस्ट वीडियो में स्क्रिप्ट डाला कर यार, स्क्रिप्ट लिखा कर। देखो अब जैसे मेरे बाजू में स्क्रिप्ट है, मैं स्क्रिप्ट उठा के उसको पढ़ रहा हूँ अभी। बट ये महाशय तो ज़्यादा अकल लड़ाते हैं एंड खुद की ही स्क्रिप्ट बना के दिमाग में लर्न करके पढ़ते हैं। ये ऐसे होते पढ़ाकू बच्चे तेरे, आपको पता है क्या? ये बी एंड ए के नीचे कुछ लाता ही नहीं, हम सी और बी वाले बच्चे। मेरे सी ग्रेड या तो बी ग्रेड ज़्यादा आते, इसके ए ग्रेड या तो बी ग्रेड आते। भाई यार क्या समझ के रहा क्या यार हमको? हम पता है हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और तुम ऐसे बच्चों को नीचा दिखाते हो यार, बिल्कुल गलत बात कही यार। ओके, तो गाइज मतलब इसके ऊपर मैं एक स्टोरी टाइम और बनाने वाला था, बट वो बहुत ही आगे जाके बनाने वाला था। अब तो इसके इस पर अब भी बनाऊंगा, तो अब मैं बता देता हूँ कि वो चाबी से रिलेटेड एक स्टोरी टाइम है। चाबी, हाँ आपने सही सुना, चाबी से रिलेटेड स्टोरी टाइम है एंड अक्षय से रिलेटेड भी है। तो उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी यार, तब तक के लिए स्टे ट्यून मैन।
ओके तो गाइस, इसके वीडियो में मेरे को अभी कुछ ऐसा रोस्ट करने जैसा तो नहीं लग रहा, तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। बट जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जानना है कि मैंने अपना हाथ फ्रैक्चर कैसे किया, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके पहली स्टोरी टाइम देख लो। बहुत ही कॉमेडी वे से मैंने अपना हाथ जो है फ्रैक्चर कर लिया था। एंड अक्षय की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अक्षय की वजह से मैं स्लो साइकिलिंग में लास्ट आया था। एंड कैसे लास्ट आया था उसकी, उस सेकेंड स्टोरी टाइम की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज़रूर से देख लेना। तो अब गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड खतरनाक स्टार गेमिंग, आप एक बड़ा सा शाउट आउट दे दो मेरे को एंड मेरा चैनल प्रमोट कर दो। मतलब मेरे को थोड़ा सा शर्म तो आ रहा है, मतलब ऐसा खुलेआम मैं बोल रहा हूँ सबको मेरा चैनल प्रमोट कर दो। बट डोंट वरी यार, कर दो यार, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते यार, इतना सपोर्ट दिखा रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो यार मेरे लिए। ओके तो बहुत हो गया, मैं चलता हूँ, बाय।